कम से कम बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री साहब को रात के 12 बजे अस्पताल भ्रमण तो करा दिए ना हम लोग। पहले कोई स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का भ्रमण करता था क्या रात में? वो भी कड़ाके की ठंड में तो हो रहा है ना भ्रमण। और उसमें भी भ्रमण होने के दौरान देखिए बिहार का अस्पताल का स्थिति कैसा है कि उप मुख्यमंत्री जी अस्पताल में आ रहे हैं और अस्पताल में गार्ड सोया हुआ है, डॉक्टर गायब है। जरा सोचिए, लेडीज गार्ड मिला के तीन गार्ड वहाँ पर सब तो हम जगाए हैं, सब सोया था जी, है ना? आप क्या कर रहे थे सुपरवाइजर जी? हम चेक करते हैं सर, अभी जस्ट हम चेक करके गए हैं। जाएगा जाएगा, फिर आप ही को दिक्कत होगा कि क्या चेक किए थे हम जब आज तो सब तोड़ा था। क्या सुपरवाइजर ही कर रहे? हो सकता है सर कि आंख लग गया होगा, लेकिन अभी जस्ट हम गए हैं। आप सुपरवाइजर ही क्या कर रहे जी? हम आज सब सुता हुआ था, आपको नजरों नहीं आ रहा था। आज दो गार्ड था आपके, दो इसको हटाइए, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। हम इस वीडियो के बारे में अंत में चर्चा करते हैं, क्योंकि उससे पहले हमको एगो और वीडियो क्लिप आपको दिखाना है, तो पहले वो वीडियो क्लिप आप देख लीजिए। 22 जनवरी के अंदर अंधभक्ति मत करो कि नाजायज जमीन के ऊपर कब्जा करके तुमने भव्य मंदिर बना दिया तो तुम्हारी हो गई, ले लो ले लिया तुमने, कल कयामत में ग्रेवान पकड़ेंगे और ईश्वर के दरबार में फैसला होगा। याद रखना कि वो जमीन किसकी थी, वो मस्जिद किसकी थी, या वो जमीन की जगह वो मस्जिद की जगह थी असल में कि मंदिर की जगह थी। दुनिया में तो वसाइल तुम्हारे, दुनिया में फैसला करने वाले चोर लुटेरे जिनको तुमने खरीद लिया है और खरीद कर उन्होंने तुम्हारे हक में फैसला दिया, हमने सबर कर लिया, लेकिन कयामत की सुबह तक हम नहीं भूलेंगे। वो जमीन हमारी थी, वो जगह हमारी थी, और जब एक मर्तबा किसी जमीन पर, पाक और पवित्र जमीन पर अल्लाह की मस्जिद बन जाता है, बन जाती है, तो कयामत तक वो मस्जिद रहती है। कयामत जब कायम होगी ये जमीन रूई के तरह उड़ती फिरेंगी पूरी दुनिया में, रेजा रेजा होगा, लेकिन जहां जहां दुनिया में मस्जिद कायम है अल्लाह उस मस्जिद को जमीन समेत उठाकर कल कयामत में पेश करेगा, अपने पास बुला लेता है। मस्जिद को अल्लाह फना नहीं करेगा, तुम्हारे हमारे मस्जिदों के ईंटों को तोड़ने और शहीद करने वालों याद रखना, अल्लाह का दरबार जब लगेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज हुकूमत किसकी है, आज किसके पास बहुमत है, आज किसका कौन प्राइम मिनिस्टर है, कल कयामत में हश्र के मैदान में इंसाफ होगा और तुम्हारी जुबानें गूंग होगी, तुम जहन्नम के दरवाजे पर नहीं जहन्नम में जल रहे होगे। जो यहाँ पे मुस्लिम लोग भी है ना, आप उन मुसलमानों से मिलिए, देखिए वो राम के भक्ति में इतने मग्न हो गए हैं कि वो एक भी गलत बात जो है ना राम के बारे में और राम मंदिर के बारे में नहीं बोलेंगे। आप ढूंढिए, यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान भी मेरी बातों को सुन रहे होंगे, बहुत सारे, और वो लोग भी टीका लगा के जय श्री राम का मुहर मारे हुए हैं, बहुत सारे मुसलमान। मैं परसों ही एक मुस्लिम भाई से मिला तो उन्होंने दो बार जय श्री राम लिखवाया था, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, और बीच में ये टीका लगाया था। तो ऐसे ही बात बात में बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं तो मुसलमान हूँ, तो आपने जय श्री राम, तो अरे यहाँ पे तो सब राम के भक्त हैं। मतलब उस मुस्लिम ने बोला कि यहाँ पे सब राम के भक्त हैं। अरे मुस्लिम धर्म का स्थापना कब हुआ? 6वीं शताब्दी में हुआ, सऊदी अरबिया से आया। लेके आया कौन? बाबर लेके आया, बाबर लेके आया, उसके पहले हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ थे? तो ये सारे लोग हिंदू ही हैं, सनातन धर्म के ही लोग हैं, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है सनातन, अलग अलग पंथ है। क्रिश्चियन धर्म का स्थापना जो है आज से 2023 साल पहले हुआ, ईसा मसीह का जन्म जब हुआ तब हुआ, तो सारे लोग पंथ हैं, धर्म तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही है सनातन धर्म, और सनातन का कभी कोई ना नाश कर सकता है और सनातन का को ना कोई खत्म करने का प्रयास कर सकता है। सनातन जो है हमेशा समय के अनुसार अपने रूप को बदलते रहेगा, लेकिन सनातन धरती पे जरूर रहेगा। तो हमारे ये मौलाना जी कहते हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है ये हमारा है, मतलब जमीन 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 हमारा, राम मंदिर हमारा नहीं है, वो तो बोल ही नहीं सकते ऐसा, जमीन हमारा है, यहां पर बाबरी मस्जिद था,
तो बाबरी मस्जिद को तोड़ के ये लोग श्री राम जी का मंदिर बना दिया, बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो मनीष कश्यप जी जवाब दे दिए, अरे चचा घोपड़ी, घोपड़ी वाले चचा जो आप सोच रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद आपका था, तो भैया आपको आधा अधूरा ज्ञान है। बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाया था और बाबर राम मंदिर को तोड़वा के बनाया था। अयोध्या हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और उसी जगह पर हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, तो वहां पर राम मंदिर ही पहले से था। मैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि मुस्लिम लोग बाद में आए हैं इस धरती पर, शुरुआत सनातन धर्म से हुआ है। ये आप कहीं भी गूगल पे जाके पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो ये जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि हमारे बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया, तो मेरे प्रभु, प्रभु नहीं है, मेरे भाई, बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, और जब हमने अपना अधिकार ले लिया तो आपको काहे जलन हो रहा है। खैर छोड़िए, आप श्री राम का नाम लीजिए, आपका जलन दूर हो जाएगा। प्रभु श्री राम में बहुत शक्ति है, माफी मांग लीजिएगा, क्षमा भी कर देंगे। शुरुआत में आपने वीडियो देखा कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को धर लिए, नस पकड़ लिए थे, नहीं देखे, मतलब तेजस्वी यादव गए थे सदर अस्पताल हाजीपुर और वहां पर जाकर के भ्रमण किए। अब मनीष कश्यप लगता है कि तेजस्वी यादव के हर वीडियोस को देखते हैं कि क्या हो रहा है, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, और नस धर के जो है बढ़िया से मनीष कश्यप अपने भाषा में रेल दिए तेजस्वी यादव को। दोस्त अब हम रेलना ही कहेंगे ना, अब मनीष कश्यप का भाषा ही है रेलना, तो हम उनसे ये चीज़ सीखे हैं तो हम रेलना ही कहते हैं। तो मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का नस धर लिए। तो चलिए अब बात जो है ना थोड़ा अलग करते हैं, माथा उग गया है। अब देखिए, हम बहुत परेशान हैं कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा। कोई है हमारी मदद करने वाले तो बताइएगा ज़रूर। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, घबराइए नहीं। हमारा एगो क्वेश्चन है, आप उसका जवाब दे सकते हैं क्या? अच्छा सच सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, सबको बोलते हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, भैया लोग, सभी को सच सच बताइएगा। सही में आप लोगों को मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, श्री राम जी, या फिर भगवान हो, या फिर किसी भी सब इन सब चीज़ों में, ऐसे भगवान में तो हर इंसान की दिलचस्पी होती है, मेरे पीछे भी हमारे भगवान हैं और हम पूजा रोज करते हैं। क्या सचमुच में भगवान को अगर अभी छोड़ दिया जाए, मतलब भगवान तो सबके दिलों में बसते ही हैं, तो क्या आपको मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव या इन सब चीज़ों, पूछने का ही मन नहीं कर रहा, क्या इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है? मतलब हम ऐसे पूछ लिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमको अब मज़ा नहीं आता है। मनीष कश्यप जब से रिहा हुए हैं, उनका एक अलग ही दुनिया हो गया है, जो उम्मीद हम नहीं करते थे। हमें लगता था कि मनीष कश्यप निकलेंगे जेल से तो सबसे पहले हर ज़िले में घूमेंगे, बिहार में, वो यूपी चले गए, अब श्री राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा व्यस्त है, तो थोड़ा मेरा उम्मीद ये नहीं था, बिहार में रहते तो बिहार की चीज़ों को दिखाते। मनीष कश्यप को मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको भैया अजीब लग रहा है अब, क्योंकि बिहार में बहुत सारा ऐसा चीज़ घटना हो रहा है जहाँ पे मनीष कश्यप की ज़रूरत है, लेकिन मनीष कश्यप वहाँ नहीं है, बुरा लगेगा ही ना। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा है कि क्या आप लोगों को मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव, इन सब से में उतना इंटरेस्ट है या नहीं, ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कमते जा रहा है, क्योंकि देखिए हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को कभी से सपोर्ट नहीं किए हैं, हमको अच्छा नहीं लगता राजनीति। मैंने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया था क्योंकि उन्होंने बिहार की बात की थी, अब वो उम्मीद भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि वो होगा कि नहीं होगा। खैर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सब आपको सुनना पसंद है या नहीं, और पसंद है तो क्यों पसंद है, तो हम आगे की वीडियोज़ वैसी बनाएंगे जैसा आपका इच्छा होगा, नहीं तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, मिलता है फिर नए वीडियो के साथ कल। जय श्री राम, हर हर महादेव।